कैसे पकड़ रही है? इसे यूं नहीं, यूं पकड़ते हैं। और शक्ति, आप यहाँ इस आसन पर नहीं बैठ सकते। इस पर बैठने के लिए अभी आपको बहुत बड़ा लंबा मार्ग तय करना होगा, और विशेष रूप से हमें आज आप पर बहुत गर्व है कुंवर प्रताप। आपका हाथ तो कुछ अधिक ही जल गया है। मैं आपको ये लेप लगा दूंगा, इससे आपको आराम अवश्य मिल जाएगा। मैंने विशेष औषधि के लिए अपने सेवक को भेज दिया है, वो दो दिन में लेके आ जाएगा, उससे आपको काफी आराम होगा। राजभाई जी, आपसे बस एक ही निवेदन है, आपको जो कुछ करना है आप कीजिए, किंतु हमारे धीर भाई जी को कम से कम पीड़ा होनी चाहिए और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। जी। अन्नदाता, घायल सैनिकों के परिवारजन आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीर भाई जी, आपको छोड़कर जाने का दिल तो नहीं करता। आप निश्चिंत होकर राजधर्म निभाए राणा जी, हमारे होते धीर भाई जी की देखभाल और उपचार में कोई कसर नहीं रहेगी। राणा जी, आप चलिए, जीजा है ना हमारे पास, आप अपना ध्यान रखिएगा। क्या बात है, आप चलिए हमारे साथ, हम अभी वापस आते हैं, तब तक बेना का पूरा ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए। क्या बात है बेना, ऐसे कैसे कुछ नहीं, आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं हमें, बताइए ना क्या बात है। चीजा, राणा जी के बहना बटियानी के प्रति इतना प्रेम देख के हमारे मन में कुछ पुरानी बातें याद आ गई। वो शक्ति के जन्म के समय हम कई दिनों तक रोगशैया पे थे, राणा जी ने हमारे उपचार के लिए सभी व्यवस्थाएं की, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पर जीजा, जब तक वह शक्ति का जन्म नहीं हुआ, वे हमें देखने एक बार नहीं आए। जीजा, क्या ऐसी ऐसी बातें केवल हमारे मन में आती, आपको कभी कुछ ऐसा नहीं लगा? हमें लगता है आपको भटियानी बेना के भोजन का प्रबंध करवाना चाहिए, हमारी पूजा का समय हो गया है, आप जाइए। राजवैद्य जी, आपने हमारे घावों के शीघ्र उपचार के लिए जिस वनस्पति का प्रयोग किया था, ये देखिए, हम वही वनस्पति लाए हैं। कुंवर जी, मैंने अपने औषधालय के कोठार से इस वनस्पति के बारे में पता लगवाया था, वहां पर तो नहीं थी ये। अवश्य कुंवर प्रताप जंगल से ले आए होंगे, है ना? हाँ छोटी माँ, और अब इसके लिए हम पर गुस्सा मत होइएगा, हम अकेले नहीं गए थे जंगल,
हम सोम को भी लेके गए थे। ये जी, मैंने लेप लगवा दिया है, अब आप इस पत्ती को उसके ऊपर रख के अच्छी तरह से पट्टी बांध दीजिएगा, जिससे घाव अति शीघ्र भर जाएगा। बैठिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइए। कुंवर प्रताप, आपको दाजीराज ने दरबार में बुलाया था ना, बहुत डांटा। छोटी माँ, जब हम आपको बताएंगे ना कि दरबार में हमारे साथ क्या हुआ, तो आप उसे सुनकर अपनी सारी पीड़ा भूल जाएंगी। ऐसा क्या हुआ? आपको पता है ना, हमें आपकी चिंता लगी रहती है। जल्दी बताइए। आज दरबार में दाजीराज ने हमें अपने साथ बैठकर भोजन करने का आदेश दिया। अच्छा, चौंक गई ना आप भी? हमें पता ही था, वो तो दाजीराज ने अपनी कड़कती आवाज में डांटते हुए कहा। सुना नहीं प्रताप, यहाँ बैठिए, हमारे साथ भोजन कीजिए। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था छोटी माँ, माननी पड़ी हमें उनकी आज्ञा, और उनकी आज्ञा का पालन कर बैठ गए हम सबके साथ। और पता है छोटी माँ, दाजीराज ने सभी सामंतों के सामने हमें पहला कौर खिलाया, और सबके सामने कहा कि उन्हें हम पर गर्व है। तब जाकर दरबार में सभी उपस्थित लोगों ने अपना भोजन आरंभ किया। ये लीजिए माँ, हो गई पट्टी। छोटी माँ, छोटी माँ। कुंवर जी, लगता है औषधि के असर से रानी सा की आंख लग गई है। मात्र शिक्षा समाहित जीवन, शीघ्र ही स्वस्थ होइए छोटी माँ। अमृत जिसे समझ आगे बढ़ू, कहे पिता मुझको। लेटी रही है रानी सा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चुप। रुकिए, क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? जो लड़का हमारे जीवन का रिश्ता खाब हो, उसके हाथों से लगी औषधि नहीं सह सकते हम। जब से ये पता चला है कि जयवंता के बेटे प्रताप में सबको मेवाड़ का भविष्य दिखता है, तब से जो आग हमारे मन में जल रही है, उसकी पीड़ा इस घाव की पीड़ा से कहीं ज्यादा है। जैसे जैसे प्रताप बड़ा हो रहा है, बढ़ती जा रही है उसकी ख्याति, बस बढ़ती ही जा रही है। हर दिशा में बस प्रताप प्रताप प्रताप, दानव जैसा लगता है ये नाम हमें, जो हमारे सपने, हमारी इच्छा, हमारी आशा, हमारी आकांक्षा सबको खा रहा है, सबको खा रहा है। जहां हमारा जन्म हुआ था, वहां पर हमें कुछ नहीं मिला, पर हमने तब भी आस नहीं छोड़ी, क्योंकि हमें साधारण नहीं असाधारण बनना था। कोई नया खेल सोचा था नियति ने हमारे लिए। हम राणा उदय सिंह से मिले, हमारे सारे डूबते सपनों को नए पंख लग गए। मायके में जो हमें दुख मिला, जो अपमान हुआ, उसे सब भुलाकर नए सपने देखे। राणा उदय सिंह के साथ अग्नि के सामने फेरे लेते समय हर फेरे में एक प्रण लिया, एक ही प्रण, एक ही सपना कि एक दिन हम मेवाड़ का सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेंगे। और हम अपने सपने के इतने पास आ गए थे याजी, राणा जी, जो हम बोले वो वैसा करें, जो हम सोचे वो
वैसा ही सोचे। अपने सपने के इतने पास आने के बाद ये लड़का देखते ही देखते सबकी आंखों का तारा बन गया। सिर्फ प्रजा का नहीं पर राणा जी का भी, सब कुछ बन गया है राणा जी का भी। भरी दरबार में राणा जी ने सबके सामने प्रताप को अपने साथ भोजन करने बिठाया। अपनी थाली से, अपने ही हाथों से, ये न्याय है याची? भागने हमसे हमारी खुशियां ही नहीं, हमारे अजन्म में बच्चे के सारे सपने छीन लिए। हमें पूरा विश्वास है रानी साहब, एक दिन आपके कोका जाया ही मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा। कैसे? हाँ, तू समझा हमें कैसे? हमारा बच्चा जो अभी तक जन्मा नहीं, कैसे बनेगा वो प्रताप जैसा? कैसे बनेगा वो प्रताप जैसा वीर? कैसे बनेगा वो प्रताप जैसा दयालु? कैसे बनेगा वो प्रताप जैसा विनम्र? तू समझा हमें? कैसे बनेगा वो मेवाड़ की प्रजा का प्यारा? कैसे याजी? रानी साहब हट जाइए। याजी, प्रताप को हमारी कोख से जन्म लेना चाहिए था, क्योंकि तपस्या जीवन भर हमने की थी। ऐसा पुत्र पाने की, महारानी बनने की, राजमाता बनने की, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसका बेटा बना वो? उस जयवंता का? बन सकता है वो हमारा बेटा कभी? बताइए जी, बन सकता है वो हमारा बेटा कभी? नहीं ना, ऐसी निर्दयी नहीं थी। नहीं, हमें लगता है रानी साहब, एक बार आप मन में झांक के तो देखिए। कुंवर प्रताप के लिए आपके मन में बहुत सारा प्यार दुलार दिखाई देगा, नहीं तो कोई ऐसे ही यूं अपने हाथ पे कपूर जला के घाव ले सकता है भला? प्रेम तो है कुंवर जी के लिए आपके मन में, रत्ती भर भी नहीं आजी। यदि कुछ है तो वो घृणा है। हमारे लिए छोटी माँ क्या क्या करती रहती है, ये सब जब हम अपने साथियों को बताते हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता हमारे भाग्य पर। हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी लंबी आयु के लिए छोटी माँ ने आज एकविंग जी के सामने अपना हाथ जला लिया है। माँ, कितनी चिंता रहती है उन्हें हमारी, है ना माँ? ऐसी गहरी घृणा है हमारे मन में कि उसे कोई देखना नहीं, तभी तो ये प्यार, ये दुलार, ये सब दिखाते हैं हम। जब हमने प्रताप को हमारे कुल की दिव्य तलवार उठाते देख लिया था ना, उस दिन उनसे वचन लिया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उस दिन हम जान गए थे याची कि हमारे पुरखों के साथ साथ हमारे भगवान का भी आशीर्वाद उसके साथ। हमारा वो भगवान जिसने हमें कब का भुला दिया है। याची, क्या हम प्रताप की उड़ान को रोक सकते हैं? नहीं ना, इसीलिए उस दिन से दिन रात हम यही सोचते रहते हैं कि प्रताप को अपने मार्ग से कैसे हटाएं, बस सोचते रहते हैं। रानी साहब, ये भी सच है याची, ये भी सच है, हमने प्रताप को मरवाने के कई प्रयास किए, पर क्या हुआ, हमें सिर्फ असफलता मिली। याजी, हमने जो कच्ची कैरियों की इच्छा जताई थी ना, वो भी जानबूझ के जताई थी, क्योंकि हम जानते थे कि प्रताप हमारे लिए कैरियां लाने जरूर जाएगा, और वो मूर्ख सच्चा निश्चित रूप से प्रताप को तलहटी वाला पेड़ ही बताएगी, जहां शम्स खान की छावनी। पर क्या हुआ याची, शम्स खान प्रताप को मार पाया? नहीं ना,
उल्टा वो वहां से और भी बड़ा योद्धा बन के उभर आया। दूसरी बार जब वो देशद्रोही देवीदास के पीछे जाना चाहता था, हमने उसे नहीं रोका। ये सोच के कि इतने भर का बालक अफगानी सैनिकों के सामने कहां टिक पाएगा, पर हम फिर गलत, वो वहां से भी विजय होके लौटा। जी, हमारे सारे सपने, हमारी सारी इच्छाएं सब चूर चूर हो गई। वो छोटा सा प्रताप उस शम्स खान की सेना के सामने युद्ध में ना ही सिर्फ जीवित बाहर आया, बल्कि मेवाड़ की विजय में प्रमुख सूत्रधार बन के बाहर आया। यदि ऐसे में हम ये प्यार, ये दुलार ना दिखाएं ना याची, शायद हम किसी को ना भाएं, राणा जी को भी नहीं। नहीं रानी सा, ये बात नहीं है। राणा जी के लिए महल में हर कोई यही बोलेगा कि यदि राणा जी किसी को मानते हैं तो वो केवल आपको। रानी सा, क्या लाभ होता है हमें उससे? राणा जी जब युद्ध पे जाते हैं तो दरवाजे पे तलवार उन्हें कौन देने जाता है? महारानी जयवंता। राणा जी के साथ गौरव यात्रा में मंदिर कौन जाता है? महारानी जयवंता, जब प्रताप बड़ा हो जाएगा तो मेवाड़ की राजमाता कौन बनेगी? महारानी जयवंता। लजी, प्रताप के जाने का दुख तो हमें भी बहुत होगा। कैसे नहीं होगा, हम भी औरत है, कोई पत्थर नहीं। देखिए ना, छोटी माँ कहके सारा दिन हमारे आसपास घूमता है, कितने जतन करता है हमारे मन में बसने की, पर हम उसे अपने मन में कैसे स्थान देते याची? यदि ऐसा करेंगे तो प्रताप जीवित रहेगा ना, और यदि वो जीवित रह गए तो हमारे पुत्र का क्या होगा? सारा जीवन क्या हम राणा जी की दूसरी पत्नी कहलाएंगे? हाँ, दूसरी पत्नी दूसरे राजकुमार की माँ? ऐसे तो मेवाड़ के इतिहास में हमारा तिल भर का भी स्थान नहीं रह जाएगा। लिखेंगे तो भी क्या लिखेंगे चारण, मेवाड़ नरेश की एक सुंदर उपपत्नी। बस, यदि मेवाड़ का वर्तमान हमें कुछ ना दे, यदि मेवाड़ के इतिहास में हमें सम्मान से याद ना रखे, तो फिर ऐसे मेवाड़ के लिए हम क्यों सोचे? क्यों हम प्रताप को मेवाड़ के सिंहासन तक पहुंचने दे? क्यों हम मेवाड़ के लिए प्रताप को वो मान सम्मान दे पहले कभी किसी ने देखा ना? आज क्या मांगा आपने प्रताप भगवान से? यही कि छोटी माँ जल्दी से जल्दी हमारे छोटे भाई को जन्म दे। अच्छा माँ, जब हमारे छोटे भाई आएंगे ना तो हम उनसे बहुत बहुत प्यार करेंगे। छोटी माँ जितना हमसे प्यार करती है ना, उससे कई ज्यादा दी, ठीक है ना माँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप राजकुमारों में सबसे बड़े हैं, इसलिए आपका ये कर्तव्य है कि आप सबको उतना ही स्नेह दें जितना राम ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को दिया था। हम जानते हैं कि प्रताप साक्षात राम जैसे हैं, इसलिए जब ऊपर जाएंगे ना तो भगवान हमसे हमारे पापों का लेखा जोखा पूछेंगे, तो उन्हें भी कह देंगे कि हमने जो किया वो क्यों किया। समझाएंगे उन्हें कि अन्याय उन्होंने किया था हमारे साथ। क्या करते हम, करने पड़े हमें पाप, और अगर फिर भी ना माने तो जो दंड देंगे सर माथे पर। याची, हार नहीं मानेंगे, समझे ना? कठोर बनना है हमारे पुत्र को, कठोर बनना है। कोक से ही बड़े से बड़ा आघात सहना होगा इन्हें। राणा बनना है ना,
राणा बनना है सारे मेवाड़ का, सारे राजपुताने का। यदि हम प्रताप को ना मार पाए तो इन्हें प्रताप का सामना करना है। उसकी ख्याति, उसका जीवन, सब कुछ मिटा के रख देंगे हम, सब कुछ। सर रानी माँ, आप कहे तो हम छोटी माँ को एक बार मिलकर आ जाए। नहीं कुंवर प्रताप, आपकी छोटी मासा सो रही हैं। इस समय उनके नींद में बाधा ठीक नहीं, और वहां तो आपके दाजीराज तो गए ही होंगे। आपकी छोटी मासा को देखने आप विश्राम कीजिए। आजकल तो हमें नींद ही नहीं आती रानी माँ, इन कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया है, ऐसा भीषण युद्ध, मेवाड़ के वीरों के बलिदान, एक थाली में भोजन करने का सौभाग्य, छोटी माँ का हमारे लिए अपना हाथ जला लेना, जैसे ही आंखें मूंदता हूँ ये सारे सारे दृश्य एक के बाद एक आते ही जाते हैं माँ, नींद तो आती ही नहीं। ये तो मात्र आरंभ है कुंवर प्रताप, अभी तो न जाने कितनी रातें बितानी है आपको बिना नींद की। इनमें से कुछ रातें बहुत लंबी होंगी, कुछ अंधियारी। कोई सुझाव दीजिए ना, कोई उपाय बताइए कैसे मारे हम प्रताप। ये क्या पत्थर की मूरत बनके हमें देखे जा रही है, बोलिए नाया जी कैसे मारे हम प्रताप को। संभालिए अपने आप को, ये बातें सुन लेगा तो अंदर्थ हो जाएगा रानी सा। रानी सा, रानी सा नहीं, महारानी सा बुलाइए हमें, थक गए। हर कोई जयवंता को महारानी सा कह के बुलाता है, हमें कोई नहीं बुलाता, आप बुलाइए ना, आप एक बार कहिए याजी महारानी सा। को याजी महारानी। ऐसे नहीं, कायदे से कहिए महारानी सा। जी हुकुम महारानी सा, खम्मा घणी महारानी सा। चलिए अब सो जाइए, आज आप हमारी गोद में सर रख कर सोएंगे, ठीक है? आ जाइए रानी माँ। जब हमारे मित्रों को पता चलेगा कि शत्रुओं की तलवार से जूझकर किले पर मेवाड़ का ध्वज फहराने वाला प्रताप अपनी रानी माँ की गोद में सर रखकर सोता है, तो आपको पता है वो कितनी हंसी उड़ाएगी हमारी। अब सो जाइए। जी हुकुम, हम जिन घायल सैनिकों के परिवार वालों से मिले हैं, देखिएगा राजकोष से उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हों, और अगर राजकोष से ना हो पाए तो बेझिझक जितना धन चाहिए आप हमारे निजी कोष से ले सकते हैं। हुकुम, हम भी महारानी भटियानी जी के स्वास्थ्य सुधार के लिए एक लिंग जी से प्रार्थना करेंगे। हाँ, वो राजवैद्य जी ने जो औषधि मंगाई है वो एक बार आ जाए, उनकी तबीयत में भी जल्दी सुधार होगा। हुकुम, क्या मेवाड़ के राजकुमार को मारने का षड्यंत्र रचना मेवाड़ की महारानी को शोभा देगा? देगा, क्यों नहीं देगा? मेवाड़ की महारानी का पद पाना है तो समझदार तो बनना ही पड़ेगा ना, और जो समझदार होते हैं वो एक बार की गई गलती दूसरी बार नहीं करते। एक बार हमारे हाथों में आई सत्ता हमने फिसलने दी थी, वो हमारी भूल थी। मेवाड़ के राज सिंहासन पर अगर कोई बैठेगा तो हमारा पुत्र बैठेगा, वो करेगा हमारे सारे सपने पूरे, शूरवीर बनाएंगे। आप सुन रहे हैं ना, आज आपकी माँ आपको वचन देती है,
कि वो आपको मेवाड़ का राणा बनाएगी। आप देख लेना, आभास भी नहीं होगा किसी को प्रताप की कमी का। सब भूल जाएंगे प्रताप को, सब भूल जाएंगे। सुन रहे हैं ना आप? हाँ सुन रहे हैं ना, बोलिए सुन रहे हैं ना आप? सुन रहे हैं कि नहीं आप? रुक जाइए, सुन रहे हैं ना? बताइए, रुक जाइए। क्या कर रही हैं आप? अपने ही हाथों से अपने ही संतान को मार रही हैं आप। अनर्थ हो जाएगा महारानी सा। इन्हें प्रेम चाहिए आपका, करुणा चाहिए आपकी, सुरक्षा चाहिए आपसे। जो सब मिल रहा है कुंवर प्रताप को महारानी जयवंता से, ये अत्याचार नहीं है? क्या कहा तूने? फिर से कहना जरा। हाँ, तू ये कहना चाहती है कि वो जयवंता हमसे ज्यादा अच्छी माँ है, हम बुरे हैं? बोल याची। नहीं महारानी साहब, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था। चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी अखियां। हमसे क्या हो गया? एकलिंग जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम हमारे ही पुत्र पे अत्याचार कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे। क्या हुआ महाराणी साहब? याजी, हमें राणा जी के आने का आभास हो रहा है। आप जाइए ना, आप देखिए राणा जी कहीं हाथ तो नहीं रहे। जाइए जी मां। और आप जी, आपके और हमारे बीच जो हुआ वो आपका और हमारा रहस्य है। आपके दाजी राज नहीं समझेंगे, आप उनसे कुछ मत कहना। राणा जी तो बाहर नहीं है, इधर। याची, ये जो जीजा गा रही है ना, इससे हमारा मन मंत्र मुक्त हो रहा है, जादू सा असर हो रहा है। राणी सा चलिए विश्राम कीजिए। चलिए आप आराम कीजिए। जी यहां बैठो ना हमारे साथ। हम आपकी गोद में सर रखते हैं जी। प्रताप को प्यार करने का बहुत प्रयत्न करते हैं याची, पर क्या करें? कोई उसका नाम हमारे सामने लेता है तो मानो यूं लगता है जैसे कोई हमारे प्राण खींच रहा हो। दम घुटता है हमारा याची। हमारे पास कोई और विकल्प भी तो नहीं है याची। प्रताप को मरना पड़ेगा, है ना याची? विश्राम कीजिए महारानी साहब। इस मीठे भजन के साथ आप भी शांति से सो जाइए। हरि दर्शन को अखिया, हरि दर्शन को। चुप क्यों हो गई?
रुक क्यों गई? आइए ना। राजी, आइए ना। अति उत्तम। महारानी जय ममता की जय। 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 क्या हुआ महारानी सा? तू पूछ रही है क्या हुआ? अनर्थ हो गया याजी, अनर्थ हो गया। जहां हमें एक एक क्षण हमारे हमारे संतान के भविष्य निर्माण की योजना में लगाना चाहिए, वहां हमारी आंख लग गई। नींद कैसे आई हमें? एकलिंग जी, ऐसे कुरूप चेहरे को कैसे राणा जी देखेंगे? भावनाओं में बह के पता नहीं क्या हाल कर दिया हमने अपने आप का। यदि राणा जी ने हमें ऐसे देख लिया तो यह अंतिम बार आना होगा उनका। ऐसा नहीं हो सकता। कोकोया जी, तुरंत जाके दासियों को भेजो। राणा जी के आने से पहले हमारा श्रृंगार हो जाना चाहिए। जी महारानी साहब। जानती हैं जयवंता जी, कुंवर प्रताप को लेकर हमारे मन में निरंतर अंतर्द्वंद चलता रहता है। क्या करें हम? एक ऐसे पिता की भूमिका निभाएं जो हर मूल्य पर इनकी सुरक्षा का ध्यान रखे। या फिर इनके लिए हमारे मन में जो प्रेम है उसे भूल जाएं और एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें जिस मार्ग पर चलने के लिए हर राजपूत का जन्म होता है। वो मार्ग जिस पर कांटे, संकट, चुनौतियां हैं और युद्ध है। हमें लगता है राणा जी, कुंवर प्रताप ने स्वयं ही अपने लिए ये दूसरा चुनौती भरा मार्ग चुन लिया है और जिसे आपने भी मन ही मन स्वीकार कर लिया है। वरना आज आप सभी सामंतों के साथ कुंवर प्रताप को अपने साथ भोजन का ये पुरस्कार नहीं देते। सदा की भांति इस बार भी आपने बिल्कुल सही सोचा महारानी जयवंता जी। पार्वती, हमारे आभूषण में हथफूल कहाँ है? महारानी साहब, आपकी हथेली जल गई थी, इसलिए हमने सोचा कि कहीं उनको पहनाते समय फफोला फूट गया तो हमारे हाथ का फफोला फूट गया तो बहुत दर्द होगा आपकी हथेली में महारानी साहब। यही तो चाहते हैं हम। ये बता पार्वती, तूने किसी से प्रेम किया है? तो फिर मर्द को कैसे रिझाया जाता है तुझे कैसे पता? जब हमें दर्द होता है तो हमारे चाहने वालों के मन में करुणा पैदा होती है और ये करुणा बड़े काम की चीज है।
ऐसी करुणा में बांधना चाहते हैं हम अपने राणा जी को। चल जा ले आ। पहना। क्षमा कीजिए, कहीं हमारी वजह से आपको दर्द हुआ तो। अब एक और शब्द बोला ना तो जीभ कटवा देंगे। क्या कटवाएंगे? जीभ। पहनाओ। पहनाओ। राणा जी, क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कुंवर जी का ये कमरबंद आप क्यों ले रहे हैं? राजकाज के कर्तव्यों में कभी कभी हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कई कई दिन कुंवर प्रताप को देख ही नहीं पाते। कुंवर प्रताप की ये निशानी हमने ऐसे ही समय के लिए अपने पास रख ली। महारानी जयंताबाई जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। पिछले कई दिनों से सोच रहे थे लेकिन कह नहीं पाए। कहिए राणा जी। हम आपसे कहना चाहते थे कि धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए? एक आदर्श महारानी होने के लिए। चाहे हम आपको एक राजा की तरह देखें, चाहे हम आपको एक पति की तरह देखें, आपने हर बार यह सिद्ध किया है कि आप अपने आप में एक आदर्श हैं। जिस तरह आपने संकट के समय में मेवाड़ की स्त्रियों को जौहर के लिए प्रेरित किया, वो एक गौरव की बात है जयंता जी। और फिर कुंवर प्रताप, इनके व्यक्तित्व को आपने जैसे गढ़ा है, इन सब के लिए हम एक लिंगनाथ जी की शपथ लेकर कहते हैं, मांगिए जयंता जी, जो मांगना है मांगिए, आज आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। आपने हमें इतना कुछ दिया है राणा जी कि आप कुछ बचा ही नहीं हमारे पास मांगने के लिए। एकलिंग जी महारानी साहब को बुरी नजर से बचाएं। कितनी सुंदर दिख रही हैं आप। याची, आज राणा जी को आने में देर हो गई। लगता है मेवाड़ नाथ आज रानीवास के किसी दूसरे कक्ष में व्यस्त होकर आपको भूल गए हैं महारानी साहब। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। याची, इसे बाहर निकालो अभी, और अगर दोबारा हमारे सामने ये दिखी तो इसे और इसके परिवार को देश निकाला दिलवा देंगे हम। चलो जाओ। क्षमा कर दीजिए महारानी साहब, गलती हो गई। चलो निकलो, दोबारा नहीं होगा। चलो निकलो महारानी साहब। चलो निकलो। क्षमा कर दीजिए महारानी साहब, दोबारा नहीं होगा। महारानी साहब, उस मूर्ख दासी के शब्दों से अपने चित्त को खराब मत कीजिए। मेवाड़नाथ किसी विशेष काम में व्यस्त होंगे। सही कह रही हैं, पता नहीं हमें क्या हो गया था, ये तो अच्छी तरह जानते हैं। दिन भर राणा जी कहीं भी किसी भी काम में व्यस्त हो जाए, रात को केवल हमारे पास ही आते हैं।
सोच लीजिए, मेवाड़ नरेश के मुंह से निकला हुआ वचन खाली मत जाने दीजिए। मांग लीजिए आज जो आपको मांगना है। ठीक है राणा जी, आपका यह वचन हमारे पास रहा, जब भी उचित समय आएगा हम अवश्य कुछ मांग लेंगे आपसे। ठीक है, फिर भी हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे। अब हम चलते हैं, फिर भाई जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रानी सा मेवाड़नाथ पधार रहे हैं। धीर भाई जी, आ जाने में देर करती राणा जी। आपको हमारी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इसका हमें रंज है। आइए। जानती राजा की अवज्ञा देशद्रोह भी माना जाता है। अच्छा, तो फिर दे दीजिए हमें मृत्युदंड। अगर आपको मृत्युदंड दे दिया तो फिर हम जिएंगे कैसे? ये अलग, लेकिन प्राण तो एक है। आप ही बताइए किसको दंड दें। वक्त आने पे बताएंगे। अभी आप हमें ये बताइए कि इतनी देर क्यों लगा दी आने में? आनंद आता है आपको हमें सताने में? अभी बताते हैं। कुंवर प्रताप का कमर पट्टा है। हाँ, ये कुंवर प्रताप का सबसे प्रिय कमर पट्टा है। उनकी निशानी के तौर पर हम इसे अपने साथ लेंगे। यार भाई जी, क्या हुआ? अरे, आपका घाव भरने की बजाय तो और हरा हो गया।
हम जो वैद्य जी से विशेष औषधि लेके आए हैं वो हम इस पे लगाते थे। राणा जी, आपसे दूर रहने की पीड़ा इस घाव की पीड़ा से कहीं ज्यादा है। देखिए, आपके छूते ही ठीक हो गया। शक्ति, आप ताजीराज के साथ बैठकर भोजन कर लेने से हम अपने अधिकार नहीं भूलने वाले हैं, समझ गए ना आप दादा भाई? और हाँ, एक बात याद रखिएगा, हम हर समय हर पल आपको चुपचाप देख रहे हैं। आप ये क्या कह रहे हैं भाई शक्ति? ना आपको हमारे प्रेम का कोई मूल्य है, ना हमारी भक्ति का कोई मूल्य। वीर भाई जी, आपका प्रेम तो हमारे लिए अनमोल है। अच्छा, फिर आने में देर क्यों करती? लीजिए, देर भी तो आप ही की वजह से हुई। हमने राज वैद्य जी से आपके लिए विशेष औषधि लाने को कहा था, बस उसी को लेने गए थे। देखिए, वो औषधि आप एक बार अपने घाव पर लगाएंगे ना, एक दिन में आपका घाव भर जाएगा। फिर हम महारानी ज्वेंता जी और आपके कक्ष में चले गए थे। फिर हम आपके पास आ गए। आपको तो हमारा आभार मानना चाहिए कि इतनी व्यवस्था के बावजूद हम आपकी इतनी फिक्र करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। जीजा के कक्ष में गए थे? हाँ, वो अपने गिरधर गोपाल के लिए इतनी प्यारी लोरी गा रही थी कि हम भी मंत्रमुग्ध हो गए।
अंदर चले गए उनके कक्ष में। ठहरिए, हम वो विशेष औषधि आपके घाव पर लगा देते हैं। महारानी ज्वेंता जी और प्रताप के कक्ष में चले गए थे। वो अपने गिरधर गोपाल के लिए इतनी प्यारी लोरी गा रही थी कि हम भी मंत्रमुग्ध हो गए। वीर भाई जी, कहाँ खो गए आप? कहीं भी नहीं। हम जानते हैं कि आप हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। ये क्या कर रही हैं आप? आप होश में तो हैं? ऐसा क्या अपराध कर दिया राणा जी? इसका मतलब आपने हमारा कहा एक शब्द भी नहीं सुना। क्या कहा था हमने आपसे? इस विषाक्त औषधि का एक जिह्वा पे लगा अंश भी इतना तीव्र घाती का होता है कि पूरी सेना को मौत के घाट उतार दे। और आप हमारे इन्हीं औषधि से भरे हाथों को चूमने वाली थी, भूल गई थी आप? आपके इस घाव पे हमने इसी हाथ से औषधि लगाई है। क्षमा कर दीजिए राणा जी, सच में हमारा ध्यान नहीं था। क्षमा कर दीजिए। इरबाई जी, अगर आपको कुछ हो जाएगा ना, तो मर जाएंगे आप। ऐसा मत कहिए राणा जी, मरे आपके शत्रु, हम बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, ठीक हो जाएंगे हम। इसके पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, आप ये औषधि वाले हाथ धो लीजिए। हम अभी आते हैं। और हाँ, इस औषधि की डब्बी को कुंवर प्रताप के कमर पट्टे से अलग रखिएगा। कुंवर प्रताप का सबसे प्रिय कमर पट्टा, हम इसे उनकी निशानी के तौर पर ले आए अपने साथ। हम महारानी ज्वेंता जी और प्रताप के कक्ष में चले गए। इस घाव को तुरंत ठीक करने के लिए हम फिर से लगाते हैं यह औषधि। इस औषधि का विष बहुत प्रभावी होगा नाया जी। हमें लगता है कि यह औषधि बहुत तेज है महारानी सा। देखिए ना, कितनी जल्दी आपके हाथ का घाव ठीक हो रहा है। ये विष है कोकोया जी। यदि इस औषधि के विष को सोच समझकर प्रयोग करें तो ये किसी के प्राण भी ले सकता है। ये क्या कह रही हैं आप?
शम्स, शम्स। शम्स, संभालो अपने आप को, उठो। हार चुके बिरादर, सब कुछ हार चुके भाई, भाई हम अपने सारे बेचारे के साथ अफगानिस्तान नहीं जा सकते। शाम्स, हमें अपनी पनाह मिले ना भाई। शाम्स, पनाह चाहिए या बदला? क्या मतलब? मेवाड़ से तुमने जब हमें पैगाम भेजा था तो उसने एक लड़के का जिक्र किया था, क्या नाम था उसका? प्रताप, छोटी माँ, आपको देखते ही कलेजे को ठंडक मिलती है। अब आपका ये घाव कैसा है छोटी माँ? ठीक हो रहा है, देखिए घाव ऐसे ही होते हैं, लगते जल्दी हैं, भरते देर से हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो भरते ही नहीं। आप चिंता ना करें, ये घाव शीघ्र ही भरेगा। छोटी माँ, आपके आज्ञा हो तो हम इसे ले जाए। हम पहना देते हैं इसे। नहीं नहीं छोटी माँ, आपके हाथों में तो घाव है, अभी हम स्वयं पहन लेंगे। चल चलते। उठाए से उठाया जी सब, लेकिन हमने तो औषधि लगाई थी ना आपको। परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इस औषधि का विष कितना तेज है, और अगर इसमें हमारी कोई सहायता कर सकता है तो वो केवल आप हैं याजी। कैसे महारानी सा? खाओ इसे, खाओ इसे, खाओ। महारानी साहब, आप सच में चाहती हैं कि मैं इसे खाऊं? क्या हुआ याजी? यूं तो सदा कहती है कि रानी साहब आपके लिए जान भी नहीं उछावा, फिर अब क्या हुआ? आ गया जीवन कम हो कर्तव्य के आड़े? ये बात नहीं है रानी साहब। तो फिर खाओ, खाओ, निभाओ अपना कर्तव्य, मानो हमारी आज्ञा। रानी साहब, एक बार आखिरी अर्ज सुन लो हमारी। इसे खाने के बाद मेरा क्या होगा इसकी चिंता हमें रत्ती भर भी नहीं है, पर इसे खाने के बाद मेरा जो हाल होगा उससे महल में क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या मुसीबतें आपके सामने खड़ी होगी, उसको आप अकेले कैसे रहने? याजी, ये जो हमको जबरन हर बात पे तुम राय देती हो ना, सहन नहीं होती हमसे। सीधी सी एक बात बोली, खा लो ना औषधि, और यदि नहीं खा सकती हो तो हम खा लेते हैं, खा के जब मर जाएंगे तो कर लेना हमारे सारे सपने पूरे। नहीं रानी साहब, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो फिर इसे खाओ ना याची, इतनी छोटी सी बात मांग रहे हैं हम आपसे, सारी इच्छाएं पूरी करती हो ना हमारी,
तो इतनी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। विषय खाने को तो कह रहे हैं आपसे, खा लीजिए ना। ठीक है रानी, ये बात हुई ना याची, आपसे हमें इससे कोई कमास नहीं थी, खाइए। जानो या ना जानो याची, पर आज जब हम इस चित्तौड़ के राजमहल में खड़े हैं, इस धरती के इतिहास को बदलने में तुम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हो याची। तुम्हारे इस छोटे से बलिदान से जयवंत अभाई का सपना, प्रताप को मेवाड़ का राजा बनाने का सपना चूर चूर हो जाएगा। इतना भर याद रह जाएगा लोगों को, क्या याद रखेंगे लोग कि राजमहल में प्रताप नाम का एक वीर राजकुमार था जो असमय ही चल बसा। कुछ नहीं हो रहा है जी? नहीं रानी साहब, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हें क्यों कुछ नहीं हो रहा? राणा जी ने तो हमसे कहा था कि इसे हाथ में मत लगाइएगा, इसे छूइएगा भी मत। क्या राणा जी ने हमसे झूठ कहा? हमारे साथ ऐसा राणा जी नहीं करते, फिर इस बार अपनी बात में कैसे चूक गए? शांत हो जाइए महारानी साहब, भगवान के लिए शांत हो जाइए। चली जाओ यहाँ से याची, अकेला छोड़ दो हमें, विश तक काम नहीं कर रहा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। याची, याची, हे लिंगेश्वर, ये विष तो काम कर गया। याची, खाइए कुंवर प्रताप, आपका तो हम भव्य स्वागत करेंगे। और क्यों ना करें? आप जानते ही हैं ना हमारे मन में आपके लिए कितनी ममता है। उसी ममता के साथ बड़े सम्मान और प्यार से आपका स्वागत करेंगे कुंवर प्रताप।